हेलो किड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5, द साउदर्न प्लेटू एंड द आइलैंड। सो कम विथ मी एंड नो मोर अबाउट द साउदर्न प्लेटू एंड द आइलैंड। सो गेट सेट, टेक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेटू इज इनकरेक्ट। प्लेटू के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उनको टिक लगाना है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड लैंड विथ स्टेप साइड। ये करेक्ट है तो हम इसे टिक नहीं लगाएंगे। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द प्लेटूज। द दक्कन प्लेटू इज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो दक्कन प्लेटू साउदर्न पार्ट में है, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड लैंड विथ स्टेप साइड, ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो है ग्लेशियर आर फाउंड इन प्लेटू, क्योंकि प्लेटू में ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते हैं तो हमने इन्हें टिक लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइलैंड इज करेक्ट। आइलैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड एन आइलैंड, ये करेक्ट है तो हम लगा देंगे टिक। देयर आर थ्री मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया, ये इनकरेक्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी, तो ये भी करेक्ट है। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है, ये करेक्ट है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द साउदर्न प्लेटूज एंड द टू आइलैंड ग्रुप्स। इस लेसन में हम द साउदर्न प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे और टू आइलैंड ग्रुप्स अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना जो पार्ट है उसे आगे बढ़ाने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि जो प्लेटूज हैं वो क्या होते हैं और जो आइलैंड हैं वो क्या होते हैं। तो आइए हम देखेंगे। सबसे पहले प्लेटू, यहाँ पे देखिए ये प्लेटू है। तो देखिए यहाँ पे अ प्लेटू हैज़ अ फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड सिंस इट लुक लाइक अ टेबल। अ प्लेटू इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। तो यहाँ देखिए ये कहा जा रहा है कि जो पठार का ऊपरी भाग है वो बिल्कुल सपाट होता है, यानी फ्लैट टॉप होता है इसका। देखिए ये इस तरह से, ठीक है। और स्टीप साइड का मतलब होता है इसमें खड़ी ढलान होती है। इसकी जो साइड होता है, इसका जो किनारा होता है वो खड़ी ढलान होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेटू। इसकी जो सतह होती है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ यानी कि अनइवन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम सिंपल वे में हम इस तरह से कह सकते हैं कि पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है और किनारे से इसमें ढलान होती है, ये टेबल की तरह दिखता है और इसीलिए हम इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आइलैंड क्या होता है। तो आइलैंड बच्चों, आइलैंड उसे हम कहते हैं जो जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, यानी कि अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। एक ऐसा ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, उसे हम कहते हैं आइलैंड। तो हमारा जो लक्षद्वीप है और जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, वो हम आगे पढ़ेंगे और वहाँ देखेंगे। एक तो देखिए जैसे लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में पड़ता है ना, और जो अंडमान एंड निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे द साउदर्न प्लेटूज के बारे में, यानी दक्षिण के पठार। साउदर्न प्लेटूज का मतलब दक्षिण के पठार, प्लेटूज का मतलब होता है पठार। यानी देखिए जैसे पहाड़ होता है ना हमारा, तो पहाड़ हमारा कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें क्या होते हैं, पीक होते हैं, ठीक है, शिखर होता है इनमें, पीक होते हैं। लेकिन जो पठार है आपको मैंने दिखाया यहाँ पे कि बिल्कुल ये ऊपर से बिल्कुल सपाट होता है, इसलिए इसे हम पठार कहते हैं, ठीक है। द साउदर्न प्लेटू आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे है और क्या है ये नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन के ये साउथ में है। अभी हम आगे मैप में भी इसे पढ़ेंगे। दे आर ट्रेंगुलर इन शेप, ये तिकोने आकार का है। एंड आर सराउंडेड बाई हील रेंजेस, और इसके चारों तरफ हील रेंजेस यानी पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। पहाड़ी श्रृंखलाएँ क्या होती है, हील रेंजेस क्या होती है, जब बहुत सारे हील होते हैं और एक लाइन से
लगे होते हैं, तो कड़ियाँ बनी होती हैं, इन्हें ही हम कहते हैं हिल रेंजेस। तो हमारा जो ये साउदर्न प्लेटू है ये चारों तरफ से हिल रेंजेस से घिरा हुआ है, जिसे हम मैप में अभी देखेंगे। सी मैप 5.1। द सर्फेस ऑफ द प्लेटू रीजन इज रॉकी एंड अनइवन। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटू रीजन का जो सरफेस होता है वो रॉकी यानी कि पथरीला होता है, और अनइवन यानी कि असमतल, या हम ये कह सकते हैं कि उबड़ खाबड़ होता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द रिवर इन द साउदर्न प्लेटूज आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज इन द नॉर्दर्न प्लेन। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको कि नॉर्दर्न प्लेन की जो नदियाँ होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और उनमें सालों भर पानी रहता है, लेकिन जो साउदर्न प्लेटूज की नदियाँ होती हैं ये बहुत लंबी नहीं होती हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन की नदियों की तरह ये नदियाँ लंबी नहीं होती हैं। दे हाउएवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड, और यही कारण है कि ये नदियाँ बहुत तेज गति से बहती हैं, यानी इनका जो प्रवाह होता है, इनकी जो धारा होती है नदियों की, ये बहुत तीव्र होती हैं। ऑन देयर वे दे फॉर्म वाटरफॉल्स, और यही कारण है कि ये अपने रास्ते में वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात या झरने बनाती हैं। रिवर नर्मदा रफली डिवाइड द प्लेटू रीजन इंटू टू पार्ट्स। तो पहला पार्ट जो रिवर नर्मदा है वो रफली प्लेटू रीजन को दो हिस्सों में बांटती है। तो पहला पार्ट जो इसका है वो है द सेंट्रल हाईलैंड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड द दक्कन प्लेटू टूवर्ड्स द साउथ। यानी जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है वो पड़ता है, देखिए यहाँ पे, नॉर्थ की तरफ, और जो दक्कन प्लेटू है ये साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ पड़ता है। तो आइए हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं मैप। और मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो हमारा साउदर्न प्लेटू है ये नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में है। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा मैप, और जब भी आप मैप देखें तो एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें। देखिए, सबसे ऊपर होता है इसमें हमारा नॉर्थ साइड, ऊपर होता है नॉर्थ साइड, नीचे होता है साउथ साइड, हमारे राइट हैंड की तरफ यानी सीधी हाथ की तरफ ईस्ट साइड होता है, और हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ हमारा वेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमेशा ध्यान में आप रखिए कि जब भी हम मैप देखें, ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ साइड होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, और राइट हैंड की तरफ हमारा ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा वेस्ट होता है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो हमारा ये नॉर्थ साउदर्न प्लेटू है ये नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में है। देखिए, मैंने नीचे आपको बताया था ना कि साउथ होता है, और नॉर्दर्न प्लेन, देखिए ये नॉर्थ साइड है हमारा, और ये हमारा है नॉर्दर्न प्लेन, जिसके बारे में मैंने पिछली चैप्टर में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में यानी नॉर्दर्न प्लेन से नीचे है, तो नीचे के एरिया को हम साउथ पार्ट कहते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है, ये जो नर्मदा रिवर है ये देखिए रफली, देखिए ये रफली प्लेटू रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो एक पार्ट इसका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और दूसरा पार्ट इसका कहलाता है दक्कन प्लेटू। ठीक है, दक्कन प्लेटू। ओके, चलिए अब हमने ये पढ़ा था कि जो नदियाँ होती हैं यहाँ की, यानी साउदर्न प्लेटूज की जो नदियाँ होती हैं ये काफ़ी लंबी नहीं होती हैं, और लेकिन इनमें जो प्रवाह होता है, इनकी जो धारा होती है वो बहुत तीव्र होती है, इसलिए ये अपने रास्ते में जलप्रपात या झरना बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का होता है ये जलप्रपात, जब बहुत ऊँचाई से पानी गिरता है तो ये बिल्कुल झरने की तरह दिखता है, या वाटरफॉल की तरह, इसे हम वाटरफॉल भी कहते हैं। तो ये वेन अ रिवर और अ स्ट्रीम फॉल्स फ्रॉम द एज ऑफ अ माउंटेन और अ प्लेटू, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल, दिस इज द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लीजिए कि रिवर हो या स्ट्रीम, कोई भी जल स्रोत हो, अगर
बहुत तेज गति से आ रहे हैं, या तो वो माउंटेन से नीचे गिर रहे हों, या वो प्लेटू से नीचे गिर रहे हों, उसके किनारे से नीचे गिर रहे हों, यहाँ देखिए, ये देखिए, या तो वो प्लेटू से नीचे गिर रहे हों या फिर माउंटेन से नीचे गिर रहे हों, तो क्या होता है कि ये बहुत तीव्र गति से नीचे की तरफ गिरते हैं। इनके अपने एज का मतलब क्या होता है, किनारा। तो किनारे पर आकर जब ये पानी नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये बहुत तेज गति से गिरती हैं, और जब तेज गति से गिरती हैं तो इसे ही हम कहते हैं वाटरफॉल या झरना या जल प्रपात कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। अब चलिए हम पढ़ेंगे कि जो नर्मदा नदी प्लेटू रीजन को दो भाग में बांटती है, तो सबसे पहला जो भाग है इसका सेंट्रल हाईलैंड, तो ये किस तरफ होता है, नॉर्थ की तरफ, और जो दक्कन प्लेटू है ये साउथ की तरफ होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे तो सेंट्रल हाईलैंड है उसके बारे में। चलिए तो देखिए, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, यानी जो सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स हैं, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स यानी अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, विद्या रेंज टूवर्ड्स द साउथ, और विद्या रेंज इसके साउथ में यानी दक्षिण की दिशा में है, दक्षिण की तरफ है। और द छोटा नागपुर प्लेटू टूवर्ड्स द ईस्ट, छोटा नागपुर ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ है। एंड द राजमहल हिल्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और राजमहल हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में है। द मालवा प्लेटू लाइज इन द सेंटर, और मालवा का जो पठार है वो बीच में है। तो हम यहाँ देखिए मैप में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए, ये है, देखिए यहाँ पे ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, ये हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड। तो इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हमारा वेस्ट पार्ट है और ऊपर नॉर्थ होता है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो इस तरफ है हमारी अरावली हिल्स। इसके बाद हमने देखा कि इसके साउथ में विंध्या रेंज है, साउथ पार्ट हमारा नीचे होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो साउथ में इसके सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में क्या है, विंध्या रेंज है। इसके बाद देखिए इसके ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटू है, ईस्ट पार्ट मैंने इधर आपको बताया था, तो छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे है ईस्ट पार्ट में। इसके बाद राजमहल हिल्स देखिए यहाँ पे है, यानी इधर क्या था, नॉर्थ, और इधर क्या था, ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल हो गया। और मालवा प्लेटू यहाँ देखिए सेंटर में है, सेंट्रल हाईलैंड के सेंटर में मालवा प्लेटू है। ओके, क्लियर। और देखिए जो सेंट्रल हाईलैंड में नदियाँ बहती हैं वो हैं चंबल, बेतवा और सोन। ये वो नदियाँ हैं जो आगे चलकर ये यहाँ गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है देखिए, है ना, तो ये नदियाँ गंगा और यमुना से मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। उधर ये दूसरी तरफ देखिए आप, जो दक्कन प्लेटूज की जो नदियाँ होती हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और ये नदियाँ भी यहाँ से निकलती हैं वेस्टर्न घाट से, और ये भी बे ऑफ बंगाल में आती हैं। तो ये नदियाँ छोटी होती हैं मगर इनमें जो पानी का बहाव होता है वो बहुत तेज होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। मेनी रिवर इन द सेंट्रल हाईलैंड जॉइन द यमुना एंड द गंगा फ्रॉम द साउथ, चंबल, बेतवा एंड सोन आर फ्यू ऑफ दीज रिवर्स। बहुत सी नदियाँ सेंट्रल हाईलैंड की, बहुत सी नदियाँ यमुना और गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से आकर मिल जाती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा और सोन नदी। ये जो नदियां हैं ये यमुना और गंगा नदी में आकर मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। छोटा नागपुर प्लेटू कवर्स झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। द रीजन हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स, यानी छोटा नागपुर का पठार कवर करता है झारखंड, उड़ीसा का उत्तरी भाग,
उत्तर पूर्व का छत्तीसगढ़ का भाग। इस क्षेत्र में कोयला और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में डिपॉजिट हैं या जमीन के अंदर से मिलते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे द दक्कन प्लेटू। द दक्कन प्लेटू एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर नर्मदा अप टू द साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अन्नीमुड़ी इज द हाइएस्ट पीक इन दिस रीजन। द दक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाई द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। दिस घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स। मेनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो ईस्टवर्ड्स। यानी तो दक्कन प्लेटू नर्मदा नदी से लेकर भारत प्रायद्वीप के दक्षिणतम छोर तक फैला हुआ है। अन्नामुड़ी इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन प्लेटू चारों ओर से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न यानी कि पूर्वी घाट से घिरा हुआ है और ये दोनों घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैप में हम देखते हैं इसको। आइए यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है हमारा दक्कन प्लेटू, ये हमारा ईस्टर्न घाट, ये हो गया वेस्टर्न घाट। ये दोनों घाट जहाँ पे मिलते हैं वो है नीलगिरी और यहाँ देखिए अन्नामुड़ी, यहाँ के सबसे ऊंचे शिखर का नाम है, ये हो गया अन्नामुड़ी, ठीक है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं ये देखिए कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा नदी यहाँ दिखाया था मैंने आपको, और यहाँ देखिए है कावेरी, ठीक है। ये नदियाँ हैं और ये नदियाँ देखिए ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्टर्न की तरफ ये ईस्टवर्ड्स में बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द ईस्टर्न मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो ईस्टवर्ड्स। बहुत सी नदियाँ जो यहाँ की हैं दक्कन के पठार की, बहुत सारी नदियाँ जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ ये बहती हैं। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन इंटू ए स्मॉल हिल रेंजेज बाई रिवर फ्लोविंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। मोस्ट ऑफ दिज रिवर फॉल इंटू द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द दक्कन प्लेटू। जो पूर्वी घाट है वो टूटकर छोटी हिल रेंजेस में बदल गई हैं वेस्टर्न घाट से आने वाली नदियों के कारण। यानी जो वेस्टर्न घाट से नदियाँ तेज बहाव के साथ आती हैं उनकी वजह से जो ईस्टर्न घाट है वो टूटकर छोटी पहाड़ी श्रृंखलाओं में बदल गए हैं। इनमें से बहुत सी नदियाँ जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। गोदावरी दक्कन पठार की सबसे लंबी नदी है। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द रीजन। द साउदर्न प्लेटू कवर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। दीज स्टेट हैव रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल सच एज कोल, आयरन ओर, कॉपर एंड मैंगनीज। दस माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हेयर। फार्मिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। द फार्मर्स ग्रो वेट राइस, मिलेट्स, ग्राउंडनट, कॉटन एंड सुगर केन। इन क्षेत्रों का जनजीवन। दक्षिण का पठार जिन स्टेट्स को कवर करता है वो हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इन राज्यों में कोयला, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसी मिनरल के खान प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसलिए माइनिंग यानी कि मिनरल्स को जमीन से निकालना यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण काम है। खेती करना भी यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ के किसान गेहूँ, चावल, ज्वार बाजरा, मूंगफली, कपास और गन्ने की खेती करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ देखिए वाइल्ड लाइफ इन द साउदर्न प्लेटू। साउदर्न प्लेटू के कुछ
जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वो यहाँ पे हैं। देखिए, ये है ब्लैक बक, ये है हील माइना, ये है बारहसिंगा, इंडियन रोलर, और ये है इंडियन जेन स्क्वेरल। तो सभी को आप पहचान लीजिए, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इनके चित्र आए और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना हो, तो ये आप अपनी बुक में एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है माइनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द साउदर्न प्लेटो। साउदर्न प्लेटो में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है मिनरल्स के, कोल्स के, तो उनकी माइनिंग के लिए, उनकी खुदाई के लिए यहाँ पे लोग लगे रहते हैं, तो इन लोगों का एक मुख्य काम ये भी है, माइनिंग भी यहाँ के लोगों का एक मुख्य काम है। चलिए हम पढ़ेंगे अब मध्य प्रदेश के बारे में। फार्मिंग एंड मैट वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। पन्ना हैज़ डायमंड माइंस। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर आर इंडस्ट्रियल सिटीज। द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रोटेक्ट टाइगर्स। पचमढ़ी, सांची एंड खजुराहो अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। खेती करना और दरी बनाना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। पन्ना में हीरे की खान है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर यहाँ के प्रमुख औद्योगिक शहर हैं। कान्हा नेशनल पार्क और बांधव नेशनल पार्क बाघों को का संरक्षण करता है, यानी ये जो पार्क हैं वो बाघों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। पचमढ़ी, सांची, खजुराहो और ये जो जगह हैं ये बहुत से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। इन एडिशनल टू द मिनरल्स ऑलरेडी मेंशन, टीन इज ऑल्सो माइंड इन छत्तीसगढ़। द स्टेट इज रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। पीपल कलेक्ट वुड, तेंदु लीव्स, हनी एंड लैक फ्रॉम फॉरेस्ट। भिलाई हैज अ स्टील प्लांट। शैला इज अ पॉपुलर फोक डांसेस। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, सभी मिनरल्स जिनका उल्लेख के पहले किया गया है, यानी कि आयरन ओर, कोल, कॉपर एंड मैंगनीज के अलावा टीन के खान भी यहाँ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इस राज्य में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी जंगल उत्पाद बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ के लोग जंगलों से लकड़ियाँ, तेंदू के पत्ते, शहद और लाख प्राप्त करते हैं। भिलाई में यहाँ का स्टील प्लांट है, यानी कि इस्पात का कारखाना है। साइला यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे यहाँ झारखंड के बारे में। यहाँ देखिए ये कुछ चित्र हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम इन्हें भी। पीपल वेयर मास्क वाइल परफॉर्मिंग द छाऊ डांस। छाऊ डांस झारखंड का पॉपुलर डांस है और यहाँ पे जो लोग ये डांस करते हैं तब ये लोग देखिए मास्क लगाते हैं, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ये मास्क लगाते हैं और इसके बाद ये डांस करते हैं। तो ये झारखंड का पॉपुलर डांस है। आइए हम झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड इज रिच इन मिनरल्स। द एबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैज लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन जमशेदपुर, बोकारो, रांची एंड धनबाद। पीपल आर फाउंड ऑफ लिट्टी चोखा एंड ठेकुआ। छाऊ इज द पॉपुलर डांस। नेतरहाट इज अ प्लेस पॉपुलर विथ टूरिस्ट। झारखंड में, झारखंड के बारे में हम पढ़ेंगे तो झारखंड में भी खनिज पदार्थों की बहुतायत है, यानी इस राज्य में भी सभी प्रकार के मिनरल्स अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। जमशेदपुर, बोकारो, रांची और धनबाद के उद्योगों का विकास यहाँ के प्रचुर मात्रा में मिनरल्स के उपलब्धता के कारण ही हुआ है। यहाँ के लोग लिट्टी चोखा और ठेकुआ खाना पसंद करते हैं। झाऊ यहाँ का प्रमुख नृत्य है। नेतरहाट पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अब हम पढ़ेंगे तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना, हैदराबाद हैज़ मेनी इंडस्ट्रीज। सम ऑफ देम आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। मोस्ट पीपल स्पीक तेलुगु। कुचिपुड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर डांस। द स्टेट इज फेमस फॉर बिद्री वर्क। यूँ तो हैदराबाद में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स हैं। यहाँ के लोग तेलुगु बोलते हैं। कुचिपुड़ी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। यहाँ का बिद्री वर्क बहुत ही प्रसिद्ध है। बिद्री वर्क मीन्स किसी धातु पर उकेरी गई चांदी की अनूठी कला, और ये जो कला है ये खासकर पीतल या तांबे
के बने बर्तनों पर चांदी से उकेरी जाती हैं, यानी चांदी की कशीदाकारी की जाती है। इन पर जड़ाऊ कलाकृति का ये एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। आगे हम पढ़ेंगे कर्नाटका के बारे में। कॉफी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका। कोलार हैज गोल्ड माइंस। बेंगलुरु इज अ मेजर सेंटर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। द स्टेट इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम मेड ऑफ सैंडलवुड। पीपल स्पीक कन्नड़। यक्षगान इज अ पॉपुलर डांस ड्रामा। तो हम पढ़ेंगे अभी कर्नाटका के बारे। यहाँ कॉफी और मसाले की खेती होती है। यहाँ के लोग, यहाँ कोलार में सोना की खान है। बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है और चंदन की लकड़ी के हस्तशिल्प के सामान के लिए कर्नाटका बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग कन्नड़ बोलते हैं और यक्षगान यहाँ का प्रमुख नाट्य नृत्य है। नाट्य नृत्य यानी कि डांस ड्रामा है। चलिए हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर कॉटन एंड ऑरेंजेस। मुंबई एंड पुणे आर इंडस्ट्रियल सिटीज। लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। दिस रीजन इज कॉल्ड मुंबई हाई। मराठी इज वाइडली स्पोकन। गणेश चतुर्थी इज अ पॉपुलर फेस्टिवल। लावणी इज पॉपुलर फोक डांस। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र कपास और संतरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मुंबई और पुणे यहाँ के औद्योगिक नगर हैं। मुंबई के नज़दीक समुद्र तल के नीचे प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम के खान पाए जाती हैं और इस क्षेत्र को हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। यानी मुंबई के नज़दीक जिस जगह से पेट्रोलियम पाया जाता है उस जगह को हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग मराठी भाषा ज़्यादातर बोलते हैं। गणेश चतुर्थी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है और लावणी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। आइए हम देखते हैं अपने चेक पॉइंट में। राइट द नेम। दिस रिवर डिवाइड द साउदर्न प्लेटू इनटू टू पार्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नर्मदा, तो यह भर लीजिए। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द दक्कन प्लेटू, तो यहाँ पे हम भर देंगे गोदावरी, है ना, पढ़ा था ना अभी हमने, तो यहाँ पे हमने भर दिया गोदावरी। नेक्स्ट है दिस प्लेस इज मध्य प्रदेश हैज डायमंड माइंस, तो यहाँ हम पन्ना भरेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा। और नेक्स्ट है दिस स्टेज इज फेमस फॉर बिद्री वर्क। बिद्री वर्क के लिए कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो यहाँ पे हम भर देंगे तेलंगाना। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में। द आइलैंड। देयर आर मेनी स्मॉल आइलैंड अलोंग द कोस्ट, यानी कोस्ट के साथ में यानी समुद्र के किनारे तो बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स हैं। अवे फ्रॉम कोस्ट देयर आर टू बिग आइलैंड ग्रुप्स, लेकिन इन तटों से, समुद्र तटों से बहुत दूर दो आइलैंड ग्रुप हैं। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और नंबर टू लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। द 10 degree चैनल सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। 10 degree चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है यानी कि अलग अलग करता है। द आइलैंड इज दिस ग्रुप आर हिली। इस यहाँ के जो आइलैंड हैं, आइलैंड ग्रुप हैं, वो हिली यानी पहाड़ी हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पालन है। राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन अंडमान आइलैंड। मुख्य रूप से अंडमान के लोग चावल की खेती करते हैं। कोकोनट एंड आर्क्यूनट आर ग्रोन इन द निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में नारियल की और सुपारी की, आर्क्यूनट मतलब होता है सुपारी, तो नारियल की और सुपारी की खेती निकोबार के लोग करते हैं।
सम पीपल ऑल्सो मेक शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ के जो शेल वर्क करते हैं, शेल क्या होते हैं, शीप की सुंदर कशीदाकारी करते, सीप शेल के सामान बनाते हैं, यानी कि सीप के बहुत सुंदर सुंदर सामान बनाते हैं, जैसे कि वॉल हैंगिंग है या शंख से बनाई हुई चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं। एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स और लकड़ियों के हस्तशिल्प कला भी यहाँ पे यहाँ के लोगों का प्रसिद्ध काम है, यानी लकड़ियों के जैसे खिलौने बनाते हैं वो, लकड़ियों के टुकड़े के मूर्तियाँ बनाते हैं, गुलदस्ते बनाते हैं, तो ये वुडन वर्क ये लोग करते हैं, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स के वर्क करते हैं। मोस्ट पीपल स्पीक बांग्ला, यहाँ के लोग ज़्यादातर बांग्ला बोलते हैं। द ब्यूटीफुल बीचेस एंड द सेलुलर जेल आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ की जो बीच हैं, यहाँ की जो समुद्र का किनारा है, उसे देखने बहुत सारे लोग आते हैं, साथ ही जो पर्यटक हैं यहाँ के यहाँ पर आते हैं, वो सेलुलर जेल को भी देखने के लिए आते हैं। तो सेलुलर जेल क्या है, इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी कहानी है, जो कि मैं थोड़ी शब्दों में आपको बताऊंगी। ये जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनाई गई थी। यह मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर है और जो समुद्र से भी बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ से किसी का आना जाना बहुत ही मुश्किल, एकदम दुष्कर काम था। वहाँ से किसी का भी भागना भी नामुमकिन था। अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ पर भेज देते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से आने का कोई भी रास्ता नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। इसे हम काले पानी की सजा के नाम से भी जानते हैं। जब अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों से बहुत ज़्यादा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उन्हें वो काले पानी की सज़ा दे देते थे। कहा जाता है कि काले पानी की सज़ा के बाद कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आता था। तो समझ लीजिए कि आप अंग्रेज कितने क्रूरता से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ व्यवहार करते थे। तो उस समय ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो मौत का दूसरा नाम था, लेकिन अब ये यहाँ पर, अब ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अब लोग यहाँ से, यहाँ पर सेलुलर जेल को देखने दूर दूर से आते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी। दीज आइलैंड आर फ्लैट। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। कोकोनट इज द मेन क्रॉप ग्रोन हियर। कॉयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कोकोनट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम। मेनी टूरिस्ट विजिट दीज आइलैंड। लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है जो कि अरब सागर में पड़ता है। ये फ्लैट आइलैंड है। फिशिंग या मछली पालन लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। नारियल की यहाँ की जो मुख्य उपज है वो नारियल की होती है, और नारियल के छिलके से फाइबर बनाने या कॉयर बनाने का काम यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ के लोगों का ये महत्वपूर्ण काम है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं और बहुत से पर्यटक इस आइलैंड पर घूमने आते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे देखिए आप, द बेंगाराम ग्रुप ऑफ आइलैंड इन लक्षद्वीप अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट। तो आप देखिए कि ये आइलैंड ग्रुप कितना खूबसूरत है, और यहाँ पर्यटक इसीलिए इसे देखने दूर दूर से आते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इसे दोबारा देखें, पढ़ें और चैप्टर को अच्छी तरह समझें। फिर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर बुक्स की बैक एक्सरसाइज करके दूंगी। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों।